प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत अजमेर नगर निगम की ओर से अलग अलग भागों में पट्टे वितरण किए जा रहे हैं। अजमेर के वार्ड संख्या 5 में भी आज अभियान के तहत 51 पट्टे वितरित किए गए। इस मौके पर अजमेर नगर निगम की महापौर ब्रजलता हारा, विधायक वासुदेव देवनानी, नगर निगम आयुक्त सुशील कुमार के साथ ही स्थानीय पार्षद अजय वर्मा और अन्य अधिकारी व स्थानीय लोग मौजूद रहे। विधायक देवनानी ने बताया कि सरकार की ओर से अभियान चलाकर पट्टे वितरित किए जा रहे हैं। यह पट्टी परिवार के लिए जमा पूंजी है, जिससे वह लोन लेकर अपने अन्य काम भी कर सकते हैं। ऐसे में इसे संभाल कर रखने की आवश्यकता है। वहीं पार्षद अजय वर्मा ने बताया कि स्थानीय लोगों के प्रयत्न तैयारियों के चलते यह पट्टे वितरित किए जाने के लाल आज के दिन 51 पट्टे 69 के वितरित किए गए हैं। इसके अलावा कई क्षेत्रवासियों के पट्टे की फाइल भी तैयार की जा रही है, जिन्हें भी जल्द वितरित किए जाएंगे। निगम के अधिकारियों और महापौर के सहयोग से क्षेत्र की जनता को लाभ दिया जा रहा है। प्रशासन शहरों के संग है, उसके द्वारा जो अजय नगर निगम द्वारा जो पट्टे दिए जा रहे हैं, पूरे शहर के सभी लोगों को दिए जा रहे हैं। और जहां हम दे सकते हैं पूरे दे रहे हैं, जहां सरकार की गाइडलाइन बदल रही है कि भाई इस जगह आप दे सकते हैं, तो वो भी हम कर रहे हैं। हमारी तो पूरी कोशिश है कि शहर के सभी जो नागरिक हैं सबको पट्टा मिले और सभी जो है उनका स्वामित्व हमेशा के लिए हो जाए और वो आगे जो पट्टा मिल जाएगा तो उस पर यह है कि वो लोन लेने के भी हकदार रहेंगे। तो यही मैं सबको कहूँगी आज आपके चैनल के माध्यम से कि सभी जो शहर के नागरिक हैं सभी आकर और अपना ना पट्टा लेने की पूरी वो करें और नगर निगम आएँ और वहाँ पर जो भी आपको लगता है कि पट्टा हमारा किस वजह से नहीं मिल रहा तो आप मालूम करें और वो पट्टा पूरा लेने की कोशिश करें, यही कहूँगी। धन्यवाद। आज नगर पालिका अधिनियम की धारा 69A के तहत वार्डवासियों को पट्टे वितरित किए जा रहे हैं। लगभग 51 पट्टे आज वितरित किए हैं और 180-90 फाइलें और हमारी निगम में लंबित हैं। और भी हमने लोगों से निवेदन किया है कि अधिक से अधिक संख्या में फाइलें लगाए, उस प्रक्रिया को पूरी कर प्रयास है नगर निगम परिवार का, हमारे वार्ड के लोगों का, हमारी जो निगम की टीम है अधिकारियों की कर्मचारियों की, उन लोगों का कि हम अधिक से अधिक पट्टे हम दिला सकें। ये जो है 69A धारा एक तरह की जादुई धारा है और इसमें जो व्यक्ति बसा हुआ है और जिसका 31/12/2018 तक का कब्जा प्रमाणित है वो पट्टा लेने का अधिकारी है प्रतिबंधित भूमियों को छोड़ के। जैसे कोई नदी नाला या जो विधि द्वारा प्रतिबंधित है और उस पर गलत बस गया है, उसके अतिरिक्त जो भी है इसमें जो है मैं आपके माध्यम से सरकार से एक निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कई वार्डों में ये समस्या आ रही है कि जो कि शमशान और कब्रिस्तान पर लोग बसे हुए हैं 40-40, 50-50 वर्षों और उस जगह का प्रयोग पिछले 40-50 वर्षों से बतौर शमशान और कब्रिस्तान नहीं हो रहा। तो सरकार से मैं कहूँगी, निवेदन करूँगा आपके माध्यम से कि उसकी भी जो है छूट प्रदान करें ताकि उस पर भी बसे हुए लोगों को उनकी बसावट का एक स्वामित्व मिल सके। और एक निवेदन और है जो जनता जागरूक नहीं हो पा रही है जिस बिंदु पे कि जिनको पट्टा मिल रहा है उनसे मेरा आग्रह है मीडिया के मेरे मित्रों आपके माध्यम से कि उन्हें जाकर जो पट्टा प्राप्त कर लिया है जिन लोगों ने वो जाकर तुरंत उसका पंजीकरण कराएं। अगर पंजीकरण नियत अवधि में नहीं हुआ तो वो दस्तावेज विधिक मान्यता नहीं रखेगा। तो ये पट्टा प्राप्त करने वालों को शुभकामनाएं और जो पाइपलाइन में है जिनके फार्म उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं।